एक गाइस वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर टेंथ पास किया या फिर प्लस टू पास किया और वो गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उनकी ऑनलाइन यहाँ पर एडमिशन होगा और ऑनलाइन उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लिंक चालू हो चुका है, लिंक यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको गूगल सर्च बार में आपको एंटर करना है। यहाँ पर साइट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो साइट है आईटीआई वालों की वो है itihariyanaadmissions.nic.in। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, उसके बाद आपको ये सर्च कर लेना है तो आप इनकी वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप आईटीआई करना चाहते हो, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बारे में कि आप अगर ये फॉर्म फिलअप करना चाहते तो आपके दाखिले के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पर आपको मिलेगी जानकारी, तो आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको और मिलेगी कि यानी कि अगर आप प्रार्थी हो, आप स्टूडेंट हो और आपकी यहाँ पर आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी एज जो है 1/10/2021 से लेकर आपकी 17 से 18 वर्ष महीने इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और जो इनकी न्यूनतम आयु है अगर आप आईटीआई करना चाहते हो वो आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम आपकी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आप अगर स्टूडेंट हो, प्रार्थी हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो फिजिकल है वो आपका फिट होना चाहिए, फिजिकली आपका फिट होना चाहिए, ये सब कुछ टेस्ट आपका होगा, ये सब कुछ आपका ठीक होना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर, चेस्ट एक्सरे और कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपका सब कुछ फिजिकली ठीक होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों ये लिंक यहाँ पर चालू हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर किस योग्यता के आधार पर दाखिला लेना चाहते हो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसे अगर आप इंग्लिश में करोगे तो आप यहाँ पर इंग्लिश में इस फॉर्म को फिलअप करिए, अगर आप इसे हिंदी में करोगे तो आप इस फॉर्म को हिंदी में फिलअप करिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर किस बेस पे आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, अगर आप 8th पास हो या फिर 10th पास हो या फिर 12th पास, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने 10th किस बोर्ड से की है, हरियाणा बोर्ड से की है, सभी बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पर कैपिटल में आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद अब जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली अब आपने जो आपने 10th आपने पास की है उसका उतने होने का वर्ष यानी आपने किस वर्ष में पास किया वो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा प्राप्त करें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपका डाटा जो है नहीं, आपने जो साइट है नहीं उठाया तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उठा लेता है इन्फॉर्मेशन तो आपका ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, ये आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। उसके बाद आपके पिता का नाम, जो भी XYZ आपका पिता का नाम है वो आपको एंटर करना है, माता का नाम ABC फॉर एग्जाम्पल जो भी आए वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल है वो आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपका जन्म तिथि यानी आप किस आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको OTP पर क्लिक करना है, तो आपके पास OTP आएगा जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको OTP एंटर करना है, फिर आपको एक नया ID और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आप होम पेज पर इस तरह से आ जाओगे जब आपको मैसेज के थ्रू आपको ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये सब मिलने के बाद देखिए आपको फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली करना है साइन इन पर क्लिक, या फिर अगर आपको ये सब पासवर्ड और आईडी मिल जाता है फिर आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे फिर आपसे पूछेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आपका नंबर क्या है या फिर आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, वो आपको एंटर करना है और आपको फिर अपना ये कैप्चा आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर कैपिटल में कैपिटल में करिए, अगर स्मॉल में है तो आपको यहाँ पर ये स्मॉल में करना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कर लेना है और जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो वो आपको फिलअप कर लेनी है, यानी कि अभी यहाँ पर दाखिला शुरू हो चुका है, एडमिशन आईटीआई में शुरू हो चुका है, तो इस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आगे जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।